इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको फेसबुक पे पब्लिश कैसे करते हैं। हमारी सारी मेहनत अब टाइम आ गया है उसको फेसबुक पे देखने का। तो अब हम टॉप लेफ्ट की मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसमें सेव एस की ऑप्शन में जाएंगे और ये बड़ी सारी ऑप्शंस आती हैं हमारे साथ। फर्स्ट था पेंट 3D प्रोजेक्ट, जब हमने स्टार्ट किया था तो इसमें सेव करते, बट इस बारी हम इसको 3D मॉडल में सेव करेंगे। 3D मॉडल पे क्लिक किया, उसके बाद बड़ी सारी ऑप्शंस आएंगी। तो बाय डिफॉल्ट आपके पीसी में दिस पीसी 3D ऑब्जेक्ट्स नाम की जो जगह है वहां पे सेव होने की कोशिश करेगी। मेक श्योर, ध्यान रखिएगा कि इसका जो फॉर्मेट है वो हमेशा GLB हो। GLB एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी दुनिया की कंपनीज एक साथ काम कर रही हैं, ताकि जिस भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आपका पावर पॉइंट हो, चाहे वो आपकी ईमेल हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, उस सब पे आप 3D मॉडल्स देख सकें, ताकि आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर या स्पेशल हार्डवेयर ना चाहिए हो। तो मेरे दोस्त और मेरी कॉलीग्स इस वाले फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, और हमारे कॉलीग्स और पार्टनर्स जो फेसबुक में हैं वो भी इस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, ताकि 3D पोस्ट उस पे आ सके। तो मैं इसको सेव करता हूँ, दिवाली रॉकेट फाइनल करके मैंने सेव किया, और अब हम देखते हैं कि इसको फेसबुक पे पब्लिश कैसे करेंगे। जैसे ये मॉडल सेव कर दिया, अब हम जाके इसको देखेंगे अपने एक्सप्लोरर पे। मैं अपना एक्सप्लोरर लाता हूँ, इस पे दिस पीसी पे लाया, यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट है उस पे लाया, मेरा ये दिवाली रॉकेट बन गया फाइनल। 3D दिवाली रॉकेट फाइनल। अब हम जाएंगे अपने फेसबुक पे, उस पे लॉगिन करेंगे और उसमें अपलोड करेंगे। तो मैं अगले वीडियो में दिखाता हूँ इसको अपलोड कैसे करना है। अब इस वीडियो में जैसे हमने अपना दिवाली रॉकेट फाइनल बनाया था, ये मेरा फेसबुक का पोस्ट है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। मेक श्योर या आप गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, और अगर आपके पास मैकबुक है तो सफारी, या फिर अच्छा रहेगा अगर आप क्रोम में यूज़ करें, ये GLB जो आपका मॉडल है इसको बस आपने उठाना है, लेफ्ट माउस क्लिक से ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। कभी कभी ये ऐसे दिखाएगा, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे जब ये पोस्ट का दिखाएगा और इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो ये देखिए फेसबुक के अंदर ये लोड होना शुरू हो गया है, ये 3D धीरे धीरे आ रहा है और इसमें हैप्पी दिवाली बन गया है। मैं चाहे तो इसको कोई और बैकग्राउंड दे सकता हूँ, जैसे मैं ग्रीन या ब्लू, लेट्स से मैं ब्लू बैकग्राउंड देता हूँ, और ये फेसबुक आपको दिखा रहा है कि इसको इंटरैक्ट कैसे किया जाता है। ये वाला जो पोस्ट है अभी तक मोबाइल ब्राउजर्स पे ऐसे घुमा नहीं सकते हैं लोग, उस पे फेसबुक काम कर रहा है, बट अगर आप डेस्कटॉप के ब्राउजर्स पे हैं, किसी पे भी, मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स पे ये काम करेगा। अगर आपके पास पुराना वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उस पे काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आपके पास गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज का जो नया ब्राउजर है उस पे देखें, तो ये उस पे ज़रूर काम करेगा। इसमें मैंने हैप्पी दिवाली लिखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, ये मैंने लिखा। अभी क्योंकि दिवाली नहीं आई है, आप चाहे तो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, मैं भी अपने साथ करूंगा, वरना सब बोलेंगे इतनी जल्दी दिवाली क्यों शेयर करने लग गया है ये। तो मैंने इसको पोस्ट पे क्लिक किया और ये अपलोड हो रहा है और ये मेरा पोस्ट बन गया। अब जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे पास आगे और पीछे दोनों तरफ है। इसको मैं अभी जूम इन वगैरह करने का फेसबुक ने अभी डाला नहीं है, वो इस पे काम कर रहे हैं और सून ही इसके अंदर जूम इन जूम आउट बहुत सारे फीचर्स आएंगे, जैसे जैसे फेसबुक उस पे धीरे धीरे काम करेगा। हम अब आगे क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री बनाई, बहुत ही सिंपल सा रॉकेट बनाया, आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कुछ भी बना सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड, रॉकेट, घर, दिया, जो आपका मन करे और जो भी आपका फेस्टिवल हो उस जैसा आप रॉकेट बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो देखने का थैंक यू। मैं सून आपके लिए अब दूसरे वीडियोस और एडवांस वीडियोस बनाऊंगा। बाय।